कंसोलिया ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट पहुंची है, तकरीबन इसे 7:30 के आसपास इसका राइट टाइम है, लेकिन ये पहुंची है लगभग 9:15 में, क्योंकि इससे पीछे की जो लाइन है वो सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन होने के कारण आगे हो सकती है कुछ तो लाइन प्रॉब्लम होगा, तो इस कारण से ये 1.5 घंटे लेट पहुंची। अब यहाँ से कितने बजे खुलती है वो पता नहीं, और हो सकता है ये अपना टाइम जो है सो मेकअप कर सकती है, क्योंकि ट्रेन अच्छी है, स्पीड इसकी लगभग 70-80 इसकी एवरेज स्पीड होती है, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम इसका काफ़ी लंबा है, लगभग 17.5 घंटे में ये बिलासपुर से पटना पहुंचाती है। तो स्वागत है आपका आसनसोल का यह रेलवे स्टेशन जो कि बंगाल में पड़ती है। एक अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ, अच्छी चीज़ क्या, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। अभी तक आप सैलून मतलब समझते होंगे कि जहाँ पे आप जेंट्स पार्लर, लेडीज़ पार्लर और सैलून के अंदर दोनों आता है। खैर यहाँ पे उस सैलून की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस यहाँ पे आपको जो सैलून में बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो पीछे गाड़ी लगी हुई है रेड कलर का, पीछे वाला गाड़ी, इसको सैलून बोलते हैं, सैलून कार। अब सैलून कार का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो गाड़ी जाती है, जब एक जोन के जीएम कहीं ट्रैवल करते हैं तो इसके साथ ये जो गाड़ी जाती है पूरे ऐसो आरामदायक पूरा लग्जरियस तरीके से बना ये गाड़ी होते हैं, जनरल मैनेजर रेलवे के ट्रैवल करते हैं, तो इस टाइप की जो गाड़ी होती है जो खास जीएम के लिए बनी होती है उसे सैलून कहते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे यहाँ पे लगा हुआ है आसनसोल रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन उतर गया हूँ, लगभग ये ट्रेन 3:30 बजे पहुँच आई थी राजेंद्र नगर से निकल के, और पटना के बीच में आउटर पे रोके हुई थी, लगभग काफ़ी देर रुकी वहाँ से, और तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा लेट यह ट्रेन पहुँची है। धूप काफ़ी तेज है यहाँ, अभी डायरेक्ट आंखों पे भी लग रही है 3:30 बजे का अभी ये टाइम है, और लग रहा था कि इधर थोड़ा सा धूप कम होगा, इतना तेज़ नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इस कारण से मुझे लगा था कि इधर थोड़ा धूप कम होगा, लेकिन धूप सेम टेम्परेचर उतना ही हाई होगा, 38-40 टेम्परेचर यहाँ भी होगा।